बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आप हंसे मुस्कराते रहें, आपकी तमाम जायदाद को पूरा करें। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और आज की वीडियो में आपके लिए एक और गाड़ी का रिव्यू शेयर करने वाला हूँ, जो बहुत ही कमाल की गाड़ी है और आप लोग इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद भी करेंगे। इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा कम है और इसके पीछे रीज़न क्या है इस कीमत कम होने की वजह। और इसके साथ साथ एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूंगा कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ जो है ना वो क्लियर हो सके, बाद में आपके साथ किसी किस्म के जो है ना वो मसले मसाइल पेश ना आए। क्योंकि काफ़ी लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते और बाद में उनके साथ काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो स्कैम वगैरह भी हो सकते हैं, तो इसलिए आप हर एक चीज़ जो है ना वो प्रॉपर तरीके से जान लिया करें, उसके बाद ही जो है ना वो आप आगे रिएक्ट किया करें। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखेगा। सबसे पहले तो आपको बता दूँ, टोयोटा करोला की GLI है, 2013 का मॉडल है और इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये गाड़ी फॉर सेल है और इसकी मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ तो आप लाजमी तौर पर वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर अगर आप पहली दफ़ा आए हो तो मेरे चैनल को भी आप लोग लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इस तरह की और भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें। अब बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। गाड़ी है टोयोटा करोला GLI, 2013 का मॉडल है, टॉप ऑफ द लाइन टॉप ऑफ द वेरिएंट है। इसकी जो आउटर साइड है, गाड़ी की आउटर साइड आपको काफ़ी जो है ना वो नीट एंड क्लीन मिलेगी। इसके ऊपर आपको कोई मेजर एक्सीडेंट वगैरह में गाड़ी इन्वॉल्व नहीं है। इसके ऊपर आपको कोई मेजर स्क्रैच वगैरह या कोई डेंटिंग पेंटिंग का जो काम है वो रिक्वायर्ड नहीं है गाड़ी में। आउटर साइड नीट एंड क्लीन है और उसके अलावा इंटीरियर साइड जो है ना वो गाड़ी की आपको ऑलमोस्ट जेन्युइन देखने को मिलेगी। सारी की सारी जो चीज़ें इंटीरियर साइड में ख़ास तौर पर वो वर्किंग कंडीशन में है, कोई भी चीज़ डैमेज नहीं है। बाकी आप इसके टायर्स और रिम्स की कंडीशन देख सकते हैं, 60-70% तक गुड है, अच्छी कंडीशन में है। और बाकी आप डैशबोर्ड वगैरह का भी व्यू देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इसके अंदर जो है ना वो AC वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, चिल्ड AC। म्यूज़िक के लिए आपको MP3 साउंड सिस्टम भी इसके अंदर अवेलेबल है, आप म्यूज़िक वगैरह भी इंजॉय कर सकते हैं। बाकी जो इसकी पोशेज वगैरह हैं वो न्यू पोशेज हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। तो ये गाड़ी बेसिकली NCB नॉन कस्टम पेड गाड़ी है और आप लोग इसको परचेज़ कर सकते हैं। ये इम्पोर्ट होती हैं बाहर से और इनका जो कस्टम होता है वो पेड नहीं होता। आप इनको पाकिस्तान में हर जगह यूज़ नहीं कर सकते, कुछ मखसूस एरियाज़ में यूज़ कर सकते हैं। और जो ओनर हैं वो इसकी 3-3.5 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं, कमी बेशी हो जाएगी। और आपने पहले गाड़ी मंगवानी है फिर आपने उनको पैसे देने हैं, क्योंकि कुछ लोग पहले पैसे ले लेते हैं डिलीवरी चार्जेस का कहकर फिर गाड़ी नहीं भेजते, तो इस तरह आपके साथ स्कैम हो सकता है। तो आपने इससे एहतियात करनी है, पहले गाड़ी मंगवानी है फिर पैसे देने हैं या फेस टू फेस डील करनी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करें और इसके ओनर के साथ डायरेक्ट रब्ता करें। अल्लाह हाफिज़।